अच्छा होगा पहले राहुल गांधी एक अच्छे सांसद बन के दिखाएं। मोदी सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है, मानिए कि उत्तर प्रदेश का शेर है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। हर आदमी हर चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है। अमेठी बाईपास चले जाइए, 10 सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, धरातल पे आके देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि जो है वो एक अच्छे सांसद के रूप में पहले अपने आप को पेश करें। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट जो न सिर्फ कांग्रेस का गढ़ है बल्कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट के तौर पर जानी जाती है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी हर बार इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 1967 से दो बार छोड़ दें तो अब तक इस पर कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन 2014 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को इस सीट पर उतार कर सारा गणित बदल दिया। हालांकि राहुल गांधी जीत तो गए, लेकिन 2019 में उनकी लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। हार के बावजूद स्मृति लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं और अब अमेठी की जनता राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। देखिए 2019 के चुनाव को लेकर क्या बोली अमेठी की जनता। अगर बीजेपी की सरकार बने तो बहुत बेटर रहेगा। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी क्योंकि उन्होंने 60 साल से हमारे यहाँ जो भी किया, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा किया इस 5 साल के बेटर में। अगर कंपेयर करें तो जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं कि जो मोदी ने किया, उनकी सबसे पहले जो कूटनीति है उसकी, मोदी की, वो बहुत बेटर, बहुत कारगर साबित हुई है। अच्छा होगा पहले राहुल गांधी एक अच्छे सांसद बन के दिखाएं। ये उनका गढ़ है, यहाँ कितना विकास किया, उनको विकास के मुद्दे पे घेरा जा रहा है, उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। उनको सोचना चाहिए, कितनी बार अमेठी आते हैं, वो कितनी बार किसानों की समस्याएं यहाँ सुनते हैं कि अमेठी की समस्याएं क्या। अमेठी बाईपास चले जाइए, 10 सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, अभी भी आप चले जाइए कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, वहाँ से एक भी ट्रक नहीं जा सकती है। लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है लेकिन उनको दिख नहीं रहा, उनको इस बात का घमंड है कि मेरा गढ़ है और अमेठी रायबरेली से उनको जीतना ही जीतना है। इस बात का घमंड है कि मेरा गढ़ है और अमेठी से जीतना ही जीतना। भैया आप बताइए, आपको भी ये लगता है कि राहुल गांधी को घमंड है और रायबरेली में, मतलब अमेठी में कुछ नहीं हुआ है और बस मेरे को यहीं से जीतना? नहीं मैम, ऐसी बात है, मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल और मोदी सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है, मानिए कि उत्तर प्रदेश का शेर है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। हर आदमी हर चीज़ से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए भाजपा सबसे अच्छी सरकार है। बस भाजपा सबसे अच्छी सरकार है भैया, भाजपा सबसे अच्छी सरकार है इसलिए कि देश के लिए काम कर रही है, देश के लिए, जो देश हित के लिए काम करती है वो बीजेपी से अच्छी सरकार कोई नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने तो 60 सालों तक राज किया और आप कह रहे कि सिर्फ भाजपा ही अच्छी सरकार है? इसलिए कि वो देश के लिए जो कर रही है, जो आई सरकार इस समय जो काम कर रही है, मोदी जो कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। G20 सम्मेलन 2022 में भारत में होने वाला है और भारत का जो इमेज है वो विदेशों में बढ़ा ही है, तो क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि मोदी ने कुल मिलाकर के जहाँ भी जाता है वो आप देखो उसका, अभी जब से वो प्रधानमंत्री बना है तब से अब तक अगर आप उसका रेपुटेशन डेली का देखो तो मैक्सिमम फॉरेन में वो मतलब स्पेंड कर रहा है अपना, क्योंकि वो चाहता है कि पहले तो विदेशों में जो भारत की छवि है अदर कंट्रीज में अच्छी बने। अगर हमारी अच्छी इमेज होगी हमारे यहाँ, अगर उसकी अच्छी इमेज बन गई भारत की अदर कंट्री के कंपेयर में, तो इन्वेस्ट दुनिया में एक अच्छी इमेज बन रही है भारत की। तो हम अमेठी में हैं और इन लोगों का बस यही कहना है कि विकास के नाम पे अमेठी में इतना काम नहीं हुआ है जितनी उम्मीदें लगाई जा रही थी और लगाई जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी को घमंड है क्योंकि अमेठी उनका गढ़ है तो यहाँ से जीत जाएंगे। लेकिन पिछली बार वोट डिफरेंस जो है बहुत ही कम था, लगभग 1 लाख के डिफरेंस हमको लगता है था, तो उनको इस बात से सबक सीखना चाहिए था कि अगर हमको अपने गढ़ में ही टक्कर मिल रहा है, स्मृति ईरानी जी बार बार आ रही है, तो उनको समझना चाहिए, उनको धरातल पे आके देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि जो है वो एक अच्छे सांसद के रूप में पहले अपने आप को पेश करें फिर पीएम कैंडिडेट के लिए। अभी उन्होंने 2 राज्य में जो है जी बिल्कुल, तो इनका भी यही कहना है कि राहुल गांधी को पहले एक अपनी छवि एक अच्छे सांसद के रूप में बनानी चाहिए, उसके बाद देश के पीएम उम्मीदवार के तौर पर सोचना चाहिए। तो ये थी अमेठी की जनता जिसका कहना है कि राहुल गांधी भले ही पिछली बार चुनाव जीत गए हों लेकिन आने वाली राह उतनी आसान नहीं है। अमेठी की जनता इस बार अपनी नाराजगी का जवाब
वोट के जरिए से देने को तैयार बैठी है।